म्हणजे कसं मला कळलं? सर, जेव्हा तुमचं सगळं जे शरीर आहे बरोबर, ते कशावर उभं आहे? तळपायावर, बरोबर. मग प्रॉब्लेम तळपायामध्ये, त्याच्यामध्ये तुमचं मे बी तुमचं फ्लॅट फीट असणार आहे किंवा लो आर्च असणार आहे. तुमचा पाय हाँ जो तो सुपिनेशन मध्ये पडतो हाँ आणि त्यामुळे तुमचं हिप रोटेट होतं. आपलं हाँ जे बॉडीचं शॉक ऑब्सर सिस्टीम जे आहे ना, ते आपलं पेल्विक मसल जे आहे म्हणजे बेंबीच्या खालचा जो भाग आहे ना, हाँ तिथं ते आपलं शॉक ऑब्सर सिस्टीम आहे बॉडीचं. ओके. जसं गाडीचं शॉक ऑब्सर असतं ना, तसं आपल्या बॉडीचं पण शॉक ऑब्सर असतं. तर आपला जो पेल्विस आहे, ते आपल्या बॉडीचं सॅक्रम, पेल्विस म्हणजे बेंबीच्या खालचा जो सगळा भाग आहे ना, जिथं आपले सगळे जेनिटल ऑर्गन्स येतात, ओके. मांडी ज्याला आपण म्हणतो, मांडी मधला भाग, ते शॉक ऑब्सर आहे. जेव्हा ते शॉक ऑब्सरचं काम करत नाही ना, तर तुमच्या गुडघ्यावर प्रेशर येतं. मग हे शॉक ऑब्सर काम का नाही करत? कारण की तुमच्या पायामध्ये, तळ पायामध्ये डिफॉर्मिटीज आहेत. ओके. हा, मग त्या चुकी त्या डिफॉर्मिटीवर तुम्ही उभं राहता, पळता, चालता, काम करता. अच्छा, त्यामुळं मग माझं साईड निघाला, इथं कमरेच्या इथं कळ लागते का? यस यस अच्छा. सर, ट्रीटमेंट है ना दोन प्रकारचे असतात. जसं की तुम्ही सांगितलं तुमचा गुडघा दुखतोय, तुमचे आतापर्यंत काय झालं, तुम्ही फिजिओथेरपी वाल्याकडे गेले, त्यांनी तुम्हाला क्वाड्रिसेप स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करून घेतल्या असतील, फ्लेक्शन एक्सटेन्शन, आयटी बँड रिलीज करून दिला असेल, टेन्स आयएफटी अल्ट्रासाउंड यूज केला असेल बरोबर, हेच केला असणार ना. हो, अल्ट्रासाउंड, त्यानंतर ते शॉक करंट वगैरे. टेन्स आयएफटी दिला असणार तुम्हाला, आणि हो थोडस तुम्हाला क्वाड्रिसेप स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करायला सांगितले असतील. हो पण प्रॉब्लेम तुमचा गुडघा का दुखतोय किंवा गुडघ्यामध्ये पाणी का होतंय, फ्लुइड बिल्डअप का होतंय, ह्याचं जर रूट कॉज आयडेंटिफिकेशन केलं, तर तुमचं पोश्चर अनालिसिस केलं, तर मी तुम्हाला न बघताही तुम्हाला मी 95% शुअर आहे की तुमच्या अँकल मध्ये, फूट मध्ये इनस्टेबिलिटी आहे. ओके. म्हणजे चालताना माझा पाय अडकून जातो आणि मी असं इम्बॅलन्स होऊन पडतो असं होऊन जात. हो चालतंय. म्हणजे आपल्याला काय, म्हणजे मला यासाठी तुम्हाला दाखवण्यासाठी कुठं हे घ्यावं लागेल, अपॉइंटमेंट? तर आपल्या दोन ओपीडीज आहेत, एक कॉलेज रोडला, एक गोल्ड जिम मध्ये, कॅनडा कॉर्डरला गोल्ड जिम है ना हो. ठीक आहे, आणि एक नाशिक रोडला आहे स्टार प्लस कॉम्प्लेक्स मध्ये सेकंड फ्लोअरला. ओके. तर तुम्हाला जिथं फिजिबल होईल तुम्ही दोन्ही ठिकाणी येऊ शकता, काही हा, माझा प्रॉब्लेम नाही, गोल्ड जिमच्या इथं होऊन जाईल, जवळ पडेल. काही प्रॉब्लेम नाही. ओके सर, ओके. आता जो वेबिनार है ना, ऍक्च्युअली सर, हा ओके आजचा जो वेबिनार आहे हा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन साठी आहे. म्हणजे ओके. आपलं लिव्हर, किडनी हे ऑर्गन्सचं बॉडीचं डिटॉक्सिफिकेशन ह्याच्यासाठी आहे. ओके सर, ओके. तर तुमचं त्याचं पण कनेक्शनच आहे इंटरनल ऑर्गनचं. म्हणजे ओके. तुमचं राईट, तुमचा कोणता गुडघा दुखतो सर? माझा राईट. राईट साइड. म्हणजे तुमची राईट साइडची किडनी, लिव्हर, तुमचं स्पिंचर ऑफ ओडी, इलियोसिकल वॉल, हे सगळं कनेक्टेड आहे. ओके. आणि ह्याच्यामध्ये कंप्रेशन आहे, तर त्याचं पेन डायरेक्ट तुम्हाला नी मध्ये रेडिएट होतंय, नी पेन होतंय. तेव्हा ओके. जेव्हा तुमच्या, म्हणजे आपण जेव्हा बिल्डिंग बांधतो, जेव्हा पाया चुकला तर वरची अख्खी बिल्डिंग चुकती, बरोबर. बाहेरच्या भिंती चुकल्या तर आतल्या भिंती पण चुकणार. ओके सर, शनिवारी मिळेल सर मग अपॉइंटमेंट तिकडे भेटायला? हो, मिळेल ना सर. चालेल, मग शनिवारी मी गोल्ड जिमच्या इथे येऊन जाईल. यस सर, यस. येताना तुमचे फक्त जे काही रिपोर्ट्स असतील ना थोडं हो. घेऊन या. ओके सर, ओके. मराठी में कोई कंफर्टेबल नहीं, ऐसा है. मराठी में कंडक्ट करते हैं आज. रोहित सर,
अविनाश सर, सर उष्णतेबद्दल सांगा की जरा माहिती. काय माहिती सर? सर ऐकू येते. हो उष्णतेबद्दल जरा माहिती सांगा की काय काय ना, म्हणजे अंगात उष्णता खूप असते ना असं सांग, ते. आपलं बोलणं झालंय ना, मी तुम्हाला सांगितलं बॉडी मध्ये कोणता हा जरी प्रॉब्लेम असला ना, त्याचं कनेक्शन लिव्हर बरोबरच आहे, तेव्हा हा जरी हा त्याचं लिव्हरचं फंक्शन नॉर्मल नाही आहे, हा सो त्याच्या बॉडी मध्ये हीट वाढतीये, त्याला पित्त उभारता आहे, स्किन इन्फेक्शन आहे, हा रॅशेस आहे, ऍलर्जी आहे, ऍक्ने आहे, पिंपल आहे, फंगल हा इन्फेक्शन आहे, वेरिकोज वेन्स आहे, सोरायसिस हा आहे, एंग्झायटी, डिप्रेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत सर, याला कनेक्शन डायरेक्ट आहे लिव्हर. लिव्हर. हा स्टूपांना जास्त पाय सुचतात, मग एकदम त्यामुळे खाली सुज राहिले. सर बॉडी वन युनिट आहे ना सर, तुमच्या बॉडी मधला एक पार्ट डिस्टर्ब आहे तर त्याच्याबरोबर त्याचे सगळे पार्ट डिस्टर्बच असणार आहे. हाँ चालते. पायाला सूज आहे, एडिमा आहे, याचा अर्थ त्याचं किडनी फंक्शन नॉर्मल नाही आहे. रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आहे, यस सर, अविनाश सर बोलतोय. मी अविनाश बोलतोय, अविनाश गोडसे. हा यस सर. तुमच आपल्या अशी सूर्यवंशी कडे सूर्यवंशी सरांकडे आम्ही कायरोप्रॅक्टिक केली होती, मी शिकलो होतो मी. यस सर. हा तर छान, म्हणजे कायरोप्रॅक्टिक छान झालं. हो तर माझा असा प्रॉब्लेम आहे सर, माझा लिव्हरचा आहे ना पेन होतं वन साइडला, आता कंटिन्यूअस चमक कशी भरते कुठे कुठे सर? लिव्हर, लिव्हरच्या साईडला, आपले जे रिप्स आहे ना, ओके रिप्सच्या खाली एक्झॅक्टली. आणि मी सोनोग्राफी पण केली तर फॅटी लिव्हर दाखवलं होतं. ओके हा मग ते मी हिमालयाचं 25 लिक्विड आहे ना, ते 52. 252 हाँ ते डॉक्टरने हे केलं मला. हाँ मग काय त्याला डिटॉक्स करायचंय का चालू ठेवायचंय? सध्या पेन नाही आता, पण जास्त मी मसाज वगैरे करतो ना, मी बॉडी मसाज करतो ना, हाँ तर मग ते एका साईडला जास्त वाकलं की मग ते पेन होतं परत. सर, कंप्रेशन मध्ये आहे तुमचं लिव्हर, लिव्ह 52 ची गोळ्या घेऊन फक्त ते तुम्ही एक ते 6 महिने, वर्षभर, 6 2 वर्ष किंवा किंबहुना डॉक्टर तुम्हाला म्हणतील की कायम स्वरूपी ती गोळी खा लिव्ह 52 ची. अच्छा सर गोळ्या आहेत ना, गोळ्या हाँ ह्या रूट कॉजला ट्रीट करण्यासाठी नसतात, गोळ्या ओके फक्त तुमचं सिम्पटम जे आहे ते ओके दाबून ठेवण्यासाठी असतात, मग तुम्ही गोळी कोणती पण खा. तुमची शुगर वाढली, तुम्हाला शुगरची गोळी सुरू केली, कधीपर्यंत घ्यायची? जोपर्यंत तुम्ही आहे तोपर्यंत घ्यायची. तुम्हाला बरोबर. बीपीचा त्रास झाला, बीपीची गोळी सुरू झाली, कधीपर्यंत घ्यायची? जोपर्यंत तुम्ही आहे तोपर्यंत घ्यायची. डायलिसिस चालू आहे, कधीपर्यंत करायचं? जोपर्यंत चालू आहे तोपर्यंत करायचं. ओके आता काय, आता उपाय सध्या काय करायचं? लिव्हर लिव्हर डिटॉक्स करायचं, बॉडी मध्ये टॉक्सिन्स आहेत सर, टॉक्सिन्स फ्लश करा. ओके आता आपल्या नाशिकला जावं लागेल ना. नाही, हे लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन आपल्याला, तुम्हाला कुठे यायची गरज नसते सर, ते घरीच होतं सगळं. ओके मी ऍक्च्युली राहतो मुंबईत, काम होते मध्ये. हा नाही, घरी घरीच करू शकता तुम्ही. तुम्ही काय करता सर? मी बोन सेटिंग बोललो, कायरोप्रॅक्टिक बोन सेटिंग करतो आणि मसाज पण करतो. मसाज पण कर. हाँ बरं, आता आपण एक एक्झाम्पल हो देऊ. समजा एक बेड आहे तुमचा मसाजचा, हो त्याच्यावर 2 पेशंटचा मसाज तुम्ही करू शकाल का? नाही करू शकत. आणि समजा तुम्ही कसंही करून केलं, 2 पेशंट एका बेडवर झोपवले आणि मसाज सुरू केलं, तर ते प्रॉपरली होईल का? नाही होणार, तुमचं पण प्रॉपरली होणार नाही काम, आणि त्या दोघांचं पण नाही होणार. नाही
हो बरोबर, कम्फर्टेबलच नाही होणार काय. कम्फर्टेबलच नाही होणार. तसं आपल्या बरोबर. बॉडीच्या ऑर्गन्सच आहे, आपण जशी मुवमेंट अच्छा करतो तसं आपल्या ऑर्गनची पण मुवमेंट होते. मग जेव्हा आपल्या ऑर्गनची मुवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती, त्यांची मोबिलिटी आणि मोटिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती, तेव्हा हे सगळे प्रॉब्लेम क्रिएट होतात. ज्या गोष्टीसाठी त्यांना काम दिलेलं आहे देवानी, जर ते काम करायला त्याला पुरेशी जागा नाही आपण देऊ शकलो तर त्याचं काम कसं होणार. बरोबर. जर मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही कायरोप्रॅक्टिक मॅन्युप्युलेशन करताय, तर तुम्ही काय करा, फक्त एकाच बाजूला उभं राहायचं, तुम्ही हलायचंच नाही, आणि तुम्ही त्याचं सर्वाइकल मॅन्युप्युलेशन पण करा, लंबर रोल पण द्या, आणि त्याचं अँकल आणि नी पण होईल का तुमच्याकडून? नाही सुनार. तुम्हाला पण मुवमेंट करावी लागणार ना. हो. आणि मी जर सांगितलं की तुम्ही हलायचंच नाही, तुम्ही फक्त हाताने मॅन्युप्युलेशन करायचं, पाय आहे तिथं स्टेशनरी ठेवायची, तर काय होणार आहे? नाही सुटले. तर मी जर तुमची मोबिलिटी आणि मोटिलिटी रिस्ट्रिक्ट केली तर त्याचा इम्पॅक्ट कोणावर जाणार? तुमच्या पेशंटवर जाणार. बरोबर. तसंच आपल्या ऑर्गनचे पण मूवमेंट असते, मोबिलिटी आणि मोटिलिटी आणि मोटिलिटी असते, मोबिलिटी असते, ती जेव्हा रिस्ट्रिक्ट होती तेव्हा हे सगळे प्रॉब्लेम होतात. तुमचे बीपी, डायबिटीज, व्हेरिकोज वेन्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिप्रेशन, एन्झायटी, ऍसिडिटी, हे सगळ्या ज्या गोष्टी होतात का, तर आपल्या इंटरनल ऑर्गनची मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट झालेली आहे. आता तरी रिस्ट्रिक्ट का होती? कारण की आपल्या बॉडीमध्ये टॉक्सिन्स पण आहेत. म्हणजे आता टॉक्सिन्स म्हटल्यावर आता लिव्हर म्हटलं की सगळ्यांना पहिला प्रश्न काय पडतो, की आपण लिकर घेतो की काय. हीच एक सगळ्यात मोठी चुकीची धारणा आहे. लिव्हर म्हटलं की दारू नाही, लिव्हर म्हटलं की आपण जे काय प्रोसेस फूड खातो, मग घरचं पण असू द्या बाहेरचं असू द्या, शेवटी ते प्रोसेस फूड आहे. तर जुमी जेवढं प्रोसेस फूड करणार त्याच्या न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू तेवढ्या कमी होणार. आपण बटाट्याची भाजी खातो किंवा भेंडीची भाजी खातो, बरोबर. तर चव बटाट्याला ना भेंडीला नसती, चव त्याला जो मसाला वापरला जातो ना त्याला असती. राईट. सो तुम्ही काय करताय, त्या बटाट्याच्या भेंडीचे जे न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू आहे त्या तुम्ही त्याला ते प्रोसेस करून मिरची तेल मिरची फ्राय करून त्याच्या न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू कमी करताय. बरोबर. माझा काय करावं लागेल घरी डिटॉक्स म्हणजे नक्की काय करावं लागेल. लिव्हर पूर्ण ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल असतो सर. लिव्हर डिटॉक्स, ओके. लिव्हर किडनी ऍसिडिटी क्लिन्झिंग, हे सगळं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल असतो. आता तुम्ही वेबिनारला जॉईन झालेले आहे, नंतर तुम्ही तुमचा नंबर येईल किंवा तुम्हाला कॉल येईल, तुम्हाला जर करायचं ओके. असेल तर तुमची हो. पूर्ण हिस्ट्री घेतली जाईल, डिटेल ओके ओके. शेड्यूल घेतलं जाईल, तुम्हाला एक क्वेश्चनर पाठवला जाईल ज्याच्यात एक 25 पॉइंट असतील, त्या 25 पॉइंट मधून तुम्हाला तुमच्या बॉडीमध्ये काय काय फील होत आहे सिम्पटम, ते तुम्हाला टिक करून आम्हाला परत पाठवायचंय, आणि मग त्या बेसिसवर तुमचं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ठरवला जाईल की काय केलं पाहिजे, कसं केलं पाहिजे. नाही, ओके. मग तिकडे यायची गरज नाही म्हणजे आपल्या इथं बसून पण होऊन जाईल. यस 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 सर. ऐंशी ऍक्च्युली हा टक्के प्रॉब्लेम. 80% बोला बोला. ज्याला आपण प्रॉब्लेम म्हणतो किंवा आजार म्हणतो ते घरच्या घरीच बरे होऊ शकतात. ओके. आपण कायरोप्रॅक्टिक करतोय, कायरोप्रॅक्टिक केल्याने लोकांना रिझल्ट काय येतोय, कारण की आपण कायरोप्रॅक्टिक मॅन्युप्युलेशन केल्यानंतर आहे ना, बॉडीची सेल्फ हिलिंग मेकॅनिझम ऍक्टिवेट करतोय. बरोबर. सो नंतर मग बॉडी जे ॲबनॉर्मल पोश्चर क्रिएट झालेले आहे, जे मिसअलाइनमेंट झालेले आहे, ते आपण करेक्शन करतो आणि बॉडीला सोडून बरोबर. देतो. सर, तर बॉडीची नर्वस सिस्टीम म्हणजे त्या माणसाची नर्वस सिस्टीम ऍटोमॅटिक सेल्फ हिलिंग करायला सुरू करते. हे जेव्हापासून मसाज चालू केले ना मी कंटिन्यू म्हणजे 4 ते 5 दिवसाला मसाज चालू असतात माझे. जे वाकण्यामुळे कशामुळे झालं हो ऍक्च्युअली माहित नाही. सर, रॉंग पोश्चर मुळे होतं ना सर, रॉंग पोश्चर सर, हाँ. सगळं प्रॉब्लेम पोश्चर मुळेच होतो. आधी माझा पाठीचा त्रास होता मसाजमुळेच होता. तो घनश्याम सरांनी क्लिअर केला आणि नंतर तो क्लिअर झाल्यानंतर आपल्या लिव्हर मध्ये प्रॉब्लेम यायला लागला. लिव्हर पेन व्हायला लागला कंटिन्यू. मला वाटायचं की लिकर मध्ये होतंय का आणि असं लिकर तर मी नाही घेतच नाही 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 नॉर्मली असं कधीतरी. सर, तुम्ही भाजी पोळी खाता ना, हो. वरण भात खाता ना,
हो त्याच्यामुळे पण होतं. बरोबर. ऑइली जास्त म्हणजे मसालेदार जास्त खायचो पहिले मी. मग बघा ना सर, चविष्ट काय, तुम्ही टॉक्सिनचं, चव आली की टॉक्सिन्स आले, मसाला आला म्हणजे खरं टॉक्सिन्स आलं, प्रोसेस आलं म्हणजे टॉक्सिन आलं. ओके सर. ह्याच्यामुळेच मला बाकीचा त्रास पण होतो का असं वाटतं कधी कधी. मग गुडघ्याचा त्रास होतो मला, गुडघा सर वाजतो. सर आपल्या बॉडी सगळं कनेक्टेड आहे, हेड टू टो. हो तुमच्या जिभेची जरी मिस अलाइनमेंट असेल ना, जर आपली जीभ आहे ना नॅचरली बघा वर टाळूला चिटकलेली असती जेव्हा आपलं तोंड बंद असतं, बरोबर. आता बघा तुमची जीभ कुठं चिटकलेली, खाली नाही, वर टाळूला चिटकलेली आहे हो अशी. टावलाचे टकले. हाँ, हो काही पेशंट असतात, काही मुलं असतात, बघा त्यांचं तोंड सतत उघडं असतं असं. बरोबर. हो ते का असतं, कारण की त्याचा टीएम जे डिसफंक्शन असतो, त्याची जीभ जी आहे ना ती टाळूला नाही चिटकत, ती इथं खाली रेस्ट होती, खालच्या खालच्या हनवटीला. त्याचं पेल्विस डिसफंक्शन असतं. ओके. तर बॉडी वन युनिट आहे सर. आता आपली राईट साईडची जी किडनी आहे ती आपलं डायजेस्टिव्ह सिस्टम कंट्रोल करते, म्हणजे आपलं डायजेस्टिव्ह सिस्टम सगळं कंट्रोल आहे ना राईट साईडच्या किडनीवर आहे. आणि लेफ्ट साईडची जी किडनी आहे ती आपलं सगळं रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन कंट्रोल करते. करो मग सो मी ऍक्च्युअली तुमच्या, डॉक्टर. हा सर बोलो. नाही काय म्हणत होते तुम्ही? मग डॉक्टरांनी काय सांगितलं मला जेव्हा पेन होत होतं ना, तर मला पूर्ण मसाज वगैरे बंद करायला सांगितलं, रेस्ट घ्यायला सांगितली पूर्ण 10 दिवस. तो सोपा मग मी पर्याय ना सर. 10 दिवस मी रेस्ट घेतली, पण ते कंटिन्यू जसं पेन चालूच होतं 10 दिवसांनी. मग थोडासा आराम पडला, पण कधी कधी अजून पण पेन होतच. बघा तुम्ही डॉक्टरला सांगितलं की मी मसाज करतो आणि मग माझी पाठ दुखती, त्यामुळे डॉक्टरने तुम्हाला सोपा पर्याय काय सांगितला? मसाजच करू नका म्हणजे तुमची पाठच करू दुखणार नका नाही. सोपा बरोबर. पर्याय झाला ना. तो हो तुम्ही डॉक्टरला म्हणाल की माझा गुडघा दुखतो, कधी दुखतो? मी मांडी घालून खाली जेवायला मांडी बसल्यावर घाल. दुख, मांडी घालणंच बंद करून टाका म्हणजे गुडघाच दुखणार नाही. हे बरोबर. सोपं सोल्युशन झालं ना. सोपं सोपं राईट. कायमस्वरूपी हाँ, नाही झालं. कायमस्वरूपी नाही झालं. ठीक आहे सर. बघ ते काय ते पाठवा, मग आम्ही करू ते ट्रीटमेंट. यस सर. सांगितून बाहेर पडायचंय, भीती वाटते जरा जरा कधी कधी. काही नाही सर, माझं स्वतःचं फॅटी लिव्हर होतं, डिफ्यूज फॅटी लिव्हर. अच्छा ग्रेड टू सर ग्रेड टू पर्यंत आहे ना आपण मॅनेज करू शकतो. हाँ ग्रेड टूच आहे माझं. हाँ, ग्रेड टू पर्यंत आपण मॅनेज करू शकतो. ग्रेड अच्छा थ्री पण मॅनेज होऊ शकतं, पण मग त्याला थोडंसं लॉन्ग प्रोसेस असते. ओके. आणि लिव्हर असंही आहे ना साहेब, लिव्हर जर 5% जरी काम करत असलं ना तर माणूस सर्वाइव्ह करू शकतो. बरोबर. मला लय हाँ, डॉक्टरांनी पण सल्ला दिला की तुमची पित्ताशयाची पिशवी चेक करा, गॉल ब्लॅडर आहे ना ते चेक करा, नाही बोलले पण हे त्यामध्ये खडे असू लिव्हर शकतात. लिव्हर सर लिव्हर गॅल ब्लॅडर आणि कॉमन बाइल डक्ट हे तिन्ही एकाच घराचं असतात. बरोबर. मासा घाबरवलं त्यांनी की खडे वगैरे असू शकतात ते काढावे लागेल. मी बोललो नाही आपण हे काढायचे. लिव्हर डिटॉक्स करणार आहे, त्याच्यात तुमचे ते गॅल स्टोनचे खडे पण बाहेर पडणार आहे. अच्छा हो ओके 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 सर. थैंक यू सर. थैंक यू. अजित गोरे सर, रोहित सर. आजच्या वेबिनार मध्ये आपले जे प्रॉब्लेम्स असतील ते डायरेक्ट विचारायचेत सरांना. बाकी मग डिटॉक्स साठी माहिती देऊच. याच्या आधी पण वेबिनार घेतलेत, यूट्यूबला रेकॉर्डिंग पण अवेलेबल आहे, किंवा शेवटी पण आपण घेऊ. पण जसं आता एक एक व्यक्ती झाला तसं प्रत्येकाने. अभिषेक सहाय सर, तुम्ही अनम्यूट करू शकता का? अभिषेक जी, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ?
हेलो सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। सर यू आर आपका कोई रिकॉर्डिंग। कोई स्पेसिफिक हेल्थ इश्यू है सर? ओके, अजीत गोरे स्वप्निल सर, सर मी जरा ट्रॅव्हल करतोय, थोड्या सा 15 मिनिटात पोहोचेल, त्याच्यानंतर मग मी कनेक्ट करतो, चालेल ना? यस यस, नो प्रॉब्लेम। ओके। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? राजेश पंडरीनाथ, ड्रिंक लॉट ऑफ वॉटर, हैव टर्मरिक, डोंट वरी, यू हैव सॉल्यूशन देते हैं। दे ओके, तो सर मी स्लाइड शेयर करतो, तुम्ही एक्सप्लेन करा, ओके मराठीत करा। ओके एनी आसना लिवर के लिए, क्वेरी फ्रॉम अभिषेक सर। सर, आसन वगैरह जो है वो फर्दर डैमेज ना हो उसके लिए हो सकता है, लेकिन टॉक्सिन्स बाहर करने के लिए कोई आसन नहीं होता है सर, उसको आपको डिटॉक्सिफिकेशन ही करना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिटॉक्सिफिकेशन। तो अभिषेक सर, यू कैन रीड द स्लाइड्स। ये डिटॉक्स हमें क्यों करना है? क्योंकि हमारा ये मेन पर्पज है कि हमको हमारा जो विसरल सिस्टम है पूरा, लीवर, किडनी, पैनक्रियास, स्प्लीन, कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, स्पिंजर ऑफ ओडी, इलियोसेकल वॉल, ब्लैडर, ओवरीज, ये सारे जो विसरल ऑर्गन्स है, सिस्टम है, इनमें सब में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। टॉक्सिन्स क्यों जमा हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ रॉन्ग डाइट, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, तो ये टॉक्सिन्स बिल्ट अप होते हैं बॉडी में। एनीथिंग वी कंज्यूम प्रोसेस्ड, वी कंज्यूम टॉक्सिन्स इन इट। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, पैकेज कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज फूड, कुक फूड, स्टोर्ड फूड, उसके साथ प्लास्टिक, स्मोकिंग, अल्कोहल, मोल्ड, कैन फूड्स, हाउसहोल्ड केमिकल्स, ट्रांस फैट, ऑल दीज आर मीडियम ऑफ टॉक्सिन्स। सो व्हेन टॉक्सिन्स ओवरलोड, हमारे बॉडी में जब टॉक्सिन्स ओवरलोड होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन, ब्रेन फॉग, हेडेक्स, फटीग, मसल एंड जॉइंट पेन, ब्लोटिंग, वेट गेन, पफिनेस, प्लेसिबो होता है। ऑल दीज आर इम्पैक्ट ऑफ टॉक्सिन्स, हेडेक्स, नॉशिया, पैल्पिटेशन, एंग्जाइटी, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिप्रेशन, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, वीकर इम्यून सिस्टम। जब हमारी पैरासिम्टोमेटिक नर्वस सिस्टम ही काम नहीं करेगी तो बॉडी, माइंड और बॉडी का कनेक्शन ही ठीक से नहीं हो पाएगा। हम डिटॉक्सिफिकेशन में क्या क्या क्लींजिंग कर सकते हैं? तो लीवर,
लीवर मास्टर क्लींजिंग होता है, लीवर में ही हमारा गैल ब्लैडर होगा, हार्ट होगा, लंग्स होगा, कोलन क्लीनिंग होगा, जो गैल ब्लैडर में स्टोन होते हैं, जो हम पित्त की पथरी बोलते हैं, तो लीवर डिटॉक्स में वो हम उसको वो नेचुरली बाहर आते हैं, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास परसों ही एक पेशेंट आया था, उसकी उम्र 26-27 होगी, 4 महीने हो गए शादी को और उसका गैल ब्लैडर ही निकाल दिया है। सो अभी उसको लाइफ टाइम जो है वो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहेगी। द लीवर, लीवर के फंक्शन क्या है, लीवर के 1000 से भी ज्यादा फंक्शंस है, उसमें से कुछ जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रिमूव टॉक्सिन्स, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस, जो मेडिकेशंस लेते हैं, मेडिकेशंस क्या होता है, एक जिस चीज के लिए हम मेडिकेशंस ले रहे हैं वो सिम्टम को दबाता है, लेकिन उसके साथ और 3-4 जगह पे उसके साइड इफेक्ट होते हैं, और उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट लीवर पे होता ही होता है। सो रिमूव टॉक्सिन्स बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस, प्रिवेंट शॉर्टेजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय स्टोरिंग विटामिन्स, मिनरल्स एंड शुगर्स, फाइट इन्फेक्शंस बाय रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड, प्रोड्यूस बाइल नेसेसरी फॉर फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स ए डी ई एंड के। तो ये लीवर के कुछ मेन फंक्शन है। हमारे बॉडी में जो कुछ भी मस्कस्केलेटल विसरल प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसकी जड़ होती है लीवर। लीवर का फंक्शन नॉर्मल नहीं होता है, एसजीपीटी बढ़ना, तो ये सारा फैटी लीवर होना, ऑल दीज आर बिकॉज लीवर इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन अप टू द मार्क। नाउ व्हाई इट्स नॉट परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन अप टू द मार्क, क्योंकि लीवर को मूवमेंट करने के लिए बॉडी में जगह ही नहीं है, वो एक छोटे छोटे कंटेनर में होते हैं, तो बॉडी में जब टॉक्सिन्स है, एक्सेस टॉक्सिन्स है, तो उसका फंक्शन नॉर्मल कैसे होगा? इसलिए हमको हम लीवर डिटॉक्सिफिकेशन या बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए करते हैं कि बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो हमको फ्लश करना है। हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स एंटर कहाँ कहाँ से होते हैं? वो इंटेस्टाइन में होते हैं, स्किन में होते हैं, लंग्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को पसीने का प्रॉब्लम होता होगा, हद से ज्यादा पसीना आता होगा। तो हद से ज्यादा पसीना क्यों आता है? क्योंकि बॉडी का वो एक कम्युनिकेशन वे, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ठीक से कर नहीं रहा है, तो वो एक्सेस टॉक्सिन बिल्डअप हो रहे बॉडी में, हद से ज्यादा हो रहे, तो वो जगह ही नहीं हुई बॉडी में, तो वो आपको एक्सेस पसीना आता है, तो वो स्किन के थ्रू वो पसीना बाहर आता है लंग्स। तो ये आप देखोगे टॉक्सिन्स सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, ये फेज 1 में आप देखिए वो इंटर कर रहा है, फेज 2 में वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, और उसका जो आप अगर चेन देखोगे तो ये फेज 1 का लीवर, फेज 2 का लीवर और बाद में का लीवर, इसमें हमारा गैल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट, किडनी क्या करेगी, यूरिन के थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन करेगी, और गैल ब्लैडर और बाइल डक्ट क्या करेगा, फेसिस के थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। तो ये सारे वेट प्रोडक्ट्स जो है, अभी हम लीवर का जो मेन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो होता है वो रात को 11 से 3 बजे के बीच में होता है, इसीलिए हम रात को सोते हैं। जब हम सोते हैं तभी हमारी बॉडी जो है वो रिकवरी मोड में जाती है, तो दिन भर में जो भी एक्स एंड पेन है, जो भी हमने गलत चीजें की है, तो हमारी नर्वस सिस्टम जो है वो रिकलेक्ट करके उसको बॉडी को वापस बैक टू नेचर लाने की कोशिश करती है। जो हमने खाया है दिन भर में उसमें से न्यूट्रिशनल वैल्यू एब्जॉर्ब करो, बॉडी को पास करो, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन और एक्सक्रीटा के थ्रू दूसरे दिन सुबह वो बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बाहर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अगर स्लीप इश्यू है, हम 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं, लेट नाइट सो रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम कम कर रहे हैं, तो बॉडी में टॉक्सिन्स बिल्डअप हो रहे हैं। मतलब मान लो कि हमने आज दिन भर में 1000 टॉक्सिन्स कंज्यूम किए और वो डिटॉक्सिफिकेशन पूरा हुआ ही नहीं, तो 600 फ्लश हुए, 400 वैसे ही रह गए, दूसरे दिन वापस हमने टॉक्सिन्स कंज्यूम कर लिए। तो ये एक हेल्दी लीवर है, आप अगर देखोगे आपके राइट साइड में स्क्रीन के और लेफ्ट साइड में एक सिरोसिस ऑफ लीवर है। तो सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है कि लीवर की साइज जो है वो कम हो जाती है, लीवर फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है।
लेकिन ये सिरोसिस ऑफ लीवर ऐसे चुटकी में होता है क्या? नहीं होता है। लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर के 5-5 साल के 3 स्लैब होते हैं और 90% वो आखिरी के 5 साल में ही डिटेक्ट होता है। जो नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लीवर कहा जाता है, मतलब जिसको कोई आदत नहीं है अल्कोहल की, तो उसमें हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमको लीवर की तकलीफ हो सकती है। और हम बाकी सब टेस्ट करते हैं, उनका लीवर फंक्शन टेस्ट भी नॉर्मल आता है। क्यों नॉर्मल आता है? क्योंकि कोई भी स्कैनिंग में ऑर्गन्स की मूवमेंट, मोबिलिटी और मोटिलिटी का स्कैनिंग नहीं होता है। सिर्फ जो पैरामीटर होते हैं वो एक प्रीसेट पैरामीटर्स है, इतना वैल्यू होना चाहिए, इतना है। अगर बॉर्डर लाइन से कम है या ज्यादा है, ज्यादा है तो आप पॉजिटिव हो, कम है तो बॉर्डर लाइन हो तो आप कोई नहीं, और अगर कम है तो निगेटिव आ जाता है। तो हर 5 साल 5 साल 5 साल ऐसे स्लैब होते हैं सीरियस ऑफ लीवर के, जो आखिरी के 5 साल में ही डिटेक्ट होता है नॉन अल्कोहलिक सीरियस ऑफ लीवर। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? फैटी लीवर से होती है। तो फैटी लीवर मतलब क्या है? जैसे हमारे बॉडी में हमारा जैसे हमारे बॉडी का फैट होता है, वैसे हमारा विसरा भी फैट होता है। मान लो कि ऑन एन एवरेज एक एक इंसान की हाइट जो है वो हम ऐसे पकड़ लो 5 फुट 9 इंच है, तो उसका वेट जो है वो 75-77 के आसपास होना चाहिए। तो उसका विसरल फैट जो है, ऑन एन एवरेज हर इंसान का विसरल फैट जो है वो 9 9 से 10 11 किलो तक के बीच में होना चाहिए। मतलब हमारे विसरल ऑर्गन्स पे जो फैट होता है वो होना चाहिए, इंटरनल फैट जिसको हम बोलते, विसरल फैट जिसको बोलते हैं। फिर वो क्या होता है, जब उसका एक्सेस टॉक्सिन बॉडी में बिल्टअप होते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म रेट का ये हो जाता है, तो वो एक्सेस फैट स्टोरेज होता है। और उसका विसरल फैट अगर देखोगे तो उसका विसरल फैट 15-16 kg आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका रिकमेंडेड विसरल फैट था उससे वो 6-7 kg ज्यादा है, तो वो फैटी लीवर हो गया। तो लीवर डिटॉक्स का जो है, ये लीवर डिटॉक्स एंड लीवर मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट। सो आप ये डाइट, केटो डाइट, इंटरजिमेट फास्टिंग, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट, एमवे के प्रोडक्ट, अभी एक नया रियांश का जूस चल रहा है, वो अमरूद जूस करके कोई चल रहा है, कि वो जूस पीजिए और सारे बीमारियों से आप इजाद पाइए। लेकिन ये कहीं पे भी इसमें आपका लीवर डिटॉक्स नहीं होता है। आप पंचकर्म कर लो, बस्ती कर लो, उसमें आपका लीवर डिटॉक्स नहीं होता है। हमारा कोलोन जो है वो 5 फीट का कोलोन होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। तो जब बस्ती भी होती है तो हमारा सिर्फ 2 से 2.5 फीट तक का ही कोलोन का क्लींजिंग होता है, उसके ऊपर का होता ही नहीं है। वो इंटेस्टाइन, वो कोलोन में सब गंदगी वैसे ही जमा होती है। हमारे पेट के 5 जो है वो गेट होते हैं, तो वो 5ों गेट जब तक खुलते नहीं है तो हमारा इंटरनल फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम ये होगा नहीं। हमारी गट हेल्थ, कोई भी प्रॉब्लम सीधे कनेक्टेड होती है गट हेल्थ से। अभी गट हेल्थ क्यों कॉम्प्रोमाइज होगी? गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, क्या होता है, हमको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमको एक एंटीबैक्टीरियल भी दे देते हैं दवा। अभी एंटीरियल बैक्टीरियल दवा का काम क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारना या उसको इम्यूनिटी ये करना। लेकिन वो दवाई को तो पता नहीं है कि बैड बैक्टीरिया कौन सा है, गुड बैक्टीरिया कौन सा है। तो बैड बैक्टीरिया तो उससे मर जाता है, लेकिन उसके साथ गुड बैक्टीरिया भी मर जाता है। तो जब अगर गुड बैक्टीरिया मर गया तो आपका गट हेल्थ जो है वो नॉर्मल कैसे होगा? आपको प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, ये सारी जो चीजें गट हेल्थ मेंटेन रहने के लिए चाहिए। हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट नहीं होगा, हमारा पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं रहेगा, तो हमको सारी प्रॉब्लम होगी। तो आर यू टायर्ड ऑफ बैड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटिंग? 80% ऑफ डिसीजेस आर क्रिएटेड इन योर गट एंड लीवर। सो लीवर, गट, ये सारा एक कनेक्शन ही है पूरा। तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन से आपके लीवर प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी, गैल ब्लैडर स्टोन्स, पीसीओडी, थायराइड, ओवरवेट, हार्मोनल इम्बैलेंस, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल,
जब आप एक लिवर डिटॉक्स करोगे तो आपको 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपके कोरोनरी आर्टरीज फ्लश हो गए, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो फ्लश हो गया है। हार्ट अटैक क्यों आता है? जब बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तब हार्ट अटैक आता है। और इसके लिए जो है आपको कोई भी किसी भी तरह का फास्टिंग नहीं करना है, हार्श डाइट नहीं करना है, ये मत खाओ वो मत खाओ ऐसा मत खाओ वैसा मत खाओ, ये कुछ भी नहीं करना है। एक सिंपल प्रोसेस रहेगी 20 आवर्स की, जिसमें आपको थोड़ा बहुत लूज मोशंस होंगे और आपकी बॉडी पूरा लीवर जो है, लीवर हार्ट, आपके बॉडी में गट इंटरनल ऑर्गन में जहां जहां पे कुछ गंदगी है वो जहां जहां पे हो सकेगा वहां से वो फ्लश करके टॉक्सिन बॉडी के बाहर निकल जाएगी। कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई जूस नहीं, या आप ये इतने दिन पियो उतने दिन पियो, ये एक्सरसाइज करो वो एक्सरसाइज करो, वो कुछ भी नहीं होगा। इट्स अ फास्टेस्ट एवर टेक्निक जब वो आपको लीवर डिटॉक्स करना है। बाकी कोई भी इसमें आप आयुर्वेदी में ये कर लो, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन कहीं पे भी नहीं होता है। किसी को अगर कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ सकता है, हम अगर इंटरेक्टिव रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? नहीं सर, माधवी मैम, इफ यू कुड जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड। अजीत गोरे सर, तो लीवर लीवर डिटॉक्स करने के बाद उसको आपको बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं? तो इट्स अ प्रिवेंशन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस लाइक सिरोसिस ऑफ लीवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस ए बी सी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीजेस, उससे आपको स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम मिलेगी, बेटर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, प्रोटीन सिंथेसिस, ब्लड क्लॉटिंग, हेमे ब्रेकडाउन, सेक्स हार्मोन मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, सेल्युलर यूथ, प्रिवेंटिंग सेल्युलर डिजनरेशन, हेल्प्स कीप द सेल्स यंग। ये सब हम बहुत बार हमको हम दो चीजें जो होती है हम उसमें कोई एहतियार ये नहीं करते, लाइटली नहीं लेते। एक है हम जब नहाते हैं तो हम बेस से बेस साबुन यूज करते हैं, शावर जेल यूज करते हैं, लेकिन कभी ना कभी जो है ना हमको स्किन इन्फेक्शन होता ही होता है, तो उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि वो सब हम एक्सटर्नल हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर गंदगी भरी है उसका क्या कर रहे हैं? उसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम कुछ पेशेंट की रिव्यू सुनेंगे जिससे हमको थोड़ा सा हम रिलेट कर पाएंगे। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। त्यासाठी मी आमच्या नमस्कार, मी डॉक्टर सुशांत साध्वी, श्रीरामपूर येथील रहिवासी आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये मी ऍसिडिटी आणि ऍसिडिटीमुळे शोल्डर दुखणं, पाठ दुखणं, ही प्रॉब्लेम मला बऱ्यापैकी होती. त्यानंतर मला वजन सुद्धा बऱ्यापैकी वाढलं होतं, ज्यामुळे टाचा वगैरे दुखणं हा प्रकार घडायचा.
त्यासाठी मी आमचे मित्र नीरज शाह सरांशी थोडंसं डिस्कस केलं. ते डिस्कस केल्याच्या नंतर त्यांनी सांगितलं की सर तुम्हाला लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन करण्याची सक्त गरज आहे. तर मी त्यांना विचारलं की लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन म्हणजे काय. त्यानंतर मला त्यांनी ते व्यवस्थित समजून सांगितलं आणि त्यानंतर मला त्यांनी सांगितलं तुम्ही लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन केल्याच्यानंतर या प्रॉब्लेम मधनं बऱ्यापैकी तुम्ही मुक्त व्हाल. तर त्यांच्या सल्ल्यानुसार मी शनिवारी लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन सुरू केलं. रविवारी मला बऱ्यापैकी पोट साफ झालं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी बघतो रविवारी तर माझं जवळजवळ अंदाजे दोन. हॅलो एव्हरीवन, मी सुवर्ण दांते. हेलो सर, सर का रिव्यू आगे का आप बोल देना यस सर. सर. 1 मिनट हमारे वेबिनार चालू है. नमस्ते मैम. नमस्ते सर. आपने लिवर डिटॉक्स अभी प्रोग्राम कंप्लीट किया, जी हाँ सर. तो क्या एक्सपीरियंस आपका रहा 2 दिन में? एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम किया ये, पर मुझे बहुत अच्छा लगा सर. मतलब वेट में भी काफी फर्क पड़ा है. संधिवात का भी मतलब प्रॉब्लम है मुझे, पर वो सब करने से काफी अच्छा लगा है सर. वेट लगभग कितना मैनेज हुआ? 1 किलो का फर्क आया है सर. मतलब एक ही रात में? हाँ सर. आपका आज ही मतलब हाँ कल सर. ही आपका हुआ है? हाँ सर. और जो जॉइंट पेन होते थे वो आपके थोड़ा सा उसमें कम कम हो मतलब कम हुआ है अभी, और ये अच्छा लग रहा अभी है. कैसे है आप? कितना परसेंट आपको कम हुआ है लग रहा है काफी मतलब 50% भी पकड़ सकते हैं सर. तुरंत हो काफी जाएगा? अच्छा लग रहा और आपको कंसल्ट किसने किया था? है. एक्चुअली मतलब डिटॉक्स किनसे करवाया आपने? सर का नाम नाम नीरज सर, डॉक्टर नीरज नीरज सर, शाह से. डॉक्टर नीरज शाह सर. काफी अच्छे से भी फॉलो मतलब किया है और बहुत अच्छे से बताया और उन्होंने. थोड़ा आपके बारे में बोल देना कि आप इतने अच्छे प्रोफेशन में, आप भी हेल्थ केयर में हो. एक्चुअली मैं भी गोल्ड जिम में ट्रेनर हूँ. पर्सनल ट्रेनिंग, फ्लोर ट्रेनिंग करती हूँ मैं. तो आप आपके कस्टमर्स को रिकमेंड जी करेंगे? हाँ पक्का पक्का सर. थैंक यू और मैम. मैंने एक्चुअली मेरे क्लाइंट्स को भी बताया है कि मैंने किया है, तो आप भी कीजिए करके. जी अभी तो हम और आपका क्लींजिंग बाकी है, जी तो हाँ फुल बॉडी क्लींजिंग जब हो जाएगा तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप हम आपका रिव्यू लेते रहेंगे. थैंक जी. ओके. यू मैम. बाद में तो एसिड का भी प्रॉब्लम. हाँ, तो डिटॉक्स के बाद में क्या क्या इम्प्यूरिटीज बॉडी में थी, जैसे गैलस्टोन्स आपके ऑब्जर्व यूरिक एसिड और जो जॉइंट पेन होता था ना. हाँ, वो अभी कितना रिड्यूस हो गया? काफी कम हुआ. परसेंटेज में अगर बोलेंगे तो 30-40%. एक ही सीटिंग में कम हो गया. और बॉडी से क्या क्या इम्प्योरिटीज बाहर आ रही थी आपको? मतलब जैसे पेट में काफी हल्का महसूस कर, जब आप वॉशरूम के लिए गए या जो भी आपने ऑब्जर्व किया रहेगा. हाँ, जो नॉन जो कचरा कचरा था इंटेस्टाइन में बॉडी से, तो उसमें आपको लूजिन की वजह से. हाँ, तो गैलस्टोन वगैरह आपको ऑब्जर्व हुए उसमें? गैलस्टोन ग्रीन कलर, ग्रीन कलर वही इम्पोर्टेंट है. तो गैलस्टोन बाहर निकलने के लिए बॉडी के कोई प्रोटोकॉल आज के डेट में अवेलेबल नहीं है. गॉल ब्लैडर निकालने का ही मतलब जो है ऑपरेशन होता है, बट ये थेरेपी में आपको ऑब्जर्व. तो इसके बाद हम आपका फुल बॉडी डिटॉक्स भी धीरे धीरे कर लेंगे. तो आप कैसे रिकमेंड करेंगे लोगों को? मतलब ये थेरेपी पहले आपने कभी सुनी थी क्या? नहीं, पहली बार. और कितना असरदार है और कितना जरूरी है? जैसे हमारा ह्यूमन गैरेज कंसेप्ट है, तो ये हो गया ओरेलिंग एक्चुअल बॉडी का. तो ये कितना जरूरी लगता है आपको? सर अभी जैसे बाहर से मेडिसिन लेना है, इसको बेटर तो पूरा ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ शुरू में. बराबर. यू आर हैप्पी विद ट्रीटमेंट व्हाट एवर यू हैव पेड, सो वर्दी आपको लग रहा है कि? डेफिनेटली. थैंक यू. थैंक यू सो मच.
नमस्कार, मी हेलो। डॉक्टर यस सर। यस सर। सो अभी हम चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। तो वैसे जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो होता है फुल बॉडी क्लींजिंग का, वो 2 महीने का होता है, जिसमें 3 साइकिल्स होती है, लीवर की, किडनी, एसिडिटी, और अगर किसी को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसका, तो लीवर डिटॉक्स सिंगल साइकिल जो है जो 2 दिन का रहेगा, और उसके साथ आपको लाइफ टाइम कंसल्टेशन मिलता है हमारी तरफ से। तो उसकी हमारा पैकेज कॉस्ट है 6,000 रुपीज। लेकिन आज जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको एक लीवर डिटॉक्स सिंगल साइकिल जो है वो 1,999 में एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। और फिर वो एक लीवर डिटॉक्स साइकिल करने के बाद अगर वो चाहते हैं पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करना है, तो उनको फिर आगे जो है सिर्फ वो जो रिमेनिंग अमाउंट है 5,000 रुपीज का, वो पे करके उनका पूरा 2 मंथ्स का जो है फुल बॉडी क्लींजिंग प्रोग्राम का है वो एनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका लीवर, गैल ब्लैडर, इंटेस्टाइन क्लींजिंग होगा, फुल बॉडी डिटॉक्स, ज्वाइंट क्लींजिंग, हार्ट, लंग्स, किडनी एंड एसिडिटी क्लींजिंग, लेडीज के लिए थायराइड, पीसीओडी, फर्टिलिटी क्लींजिंग होगा, पैरासाइट क्लींजिंग होगा। पैरासाइट क्लींजिंग के लिए वो इंस्ट्रूमेंट के साथ आपका पैरासाइट क्लींजिंग होगा। साथ ही में हम बॉडी फैट रिडक्शन, फेशियल कपिंग और विसरल मैनिपुलेशन भी, जैसे हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करते हैं स्पाइन का, वैसे ही विसरल मैनिपुलेशन भी होता है, ऑर्गन्स का मैनिपुलेशन भी होता है, तो वो भी करते हैं। ये हमारी पूरी टीम है डिवाइन टच, ये हम सब ह्यूमन मैकेनिक्स है। हमारे ब्रांचेस नासिक रोड में है, कॉलेज रोड में है, गोल जिम, पुणे पिंपरी में एक है, और मुंबई में चेंबूर में एक हमारा है। ये फुल बॉडी डिटॉक्स का प्रोग्राम है। और इसी के साथ ही हम एक बहुत ही अनइमेजिनेबल एक हीलिंग प्रोग्राम जो है, कंप्लीट हीलिंग प्रोग्राम, जिसको हम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बता सकते हैं, जिसको हम रेसिडेंशियल कैंप भी लेते हैं 3 से 5 डेज का, जहाँ पे आपका सारे जो ट्रेडिशनल और इंटरनेशनल मॉडलिटीज है वो आपको एक ही रूफ के अंदर करने को मिलेगी, जहाँ पे आपका डिटॉक्स भी होगा, आपका पोस्चर एनालिसिस करेक्शन भी होगा, पैरासाइट क्लींजिंग भी होगा, मायोफेशियल रिलीज होगा, क्रैनियोसेक्रल थेरेपी होगा, सारी जो कंप्लीट होलिस्टिक हीलिंग का जो पैकेज है वो हम कराते हैं रेसिडेंशियल 3 डेज 5 डेज का, जिसमें आप फैमिली इन्वॉल्व हो सकते हो, कपल इन्वॉल्व हो सकते हो, वो वंस इन अ लाइफ टाइम आपके लिए वो एक एक्सपीरियंस हो सकता है। तो हमारा मोटो ये है, हर घर हीलिंग। जैसे मैंने बताया कि 80% जो बीमारी है, जिसको हम बीमारी बोलते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हम घर पे ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो वो कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे कि हम करेंगे, मतलब हमको क्योर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लीवर डिटॉक्स करेंगे तो हमको कभी फिर सीरियस लीवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हाई स्टेरॉइड इंजेक्शन, मेडिसिन, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही इतना अलर्ट, हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे कि हमको ये सब चीजों की कभी जरूरत ना पड़े, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी सडन नहीं होती है, वो कोई भी जो बीमारी है आप सीधे आईसीयू में एडमिट नहीं होते हो, आपको हार्ट अटैक भी ऐसे अचानक नहीं आता है, बॉडी आपको सिग्नल देती है लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हैं, और फिर वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते फिर एक दिन आपका पूरा ब्लॉकेज हो जाता है और आपका हार्ट अटैक आ जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम है, फिर वो मस्कोस्केलेटल हो, विसरल हो, शुरू वो जीरो से ही होता है, हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है, 100 तक डायरेक्ट नहीं जाते हैं कोई भी चीज।
तो जिसको भी अगर ये एनरोलमेंट करना है, ये लीवर डिटॉक्स के लिए इसका पैकेज लेना है, तो आप जो है इसमें पूरी जानकारी है कि लीवर और उसके फंक्शन क्या है। ये आप अगर इमेज देखोगे तो ये लीवर क्लींस का चमत्कार है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा मेन वजह है, तो आप देखोगे ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, तो लेफ्ट वाली जो है जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, और राइट वाली जो है उसमें देखोगे आपकी ये लीवर डिटॉक्स के बाद का है, तो पूरी कोरोनरी आर्टरी जो है वो क्लीन हो गई है, तो उसमें से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो फ्लश हो गया है। तो अगर आप एक नॉर्मल लीवर डिटॉक्स साइकिल भी करते हो तो 6 महीने तक आपको बाईपास या हार्ट की कोई तकलीफ या बीमारी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी मेन जड़ है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वही फ्लश हो गया है। ये हम देखेंगे तो ये जो है ये कुछ 30 to 60 years की महिला है उनमें हम ये अक्सर ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं। मुहासे, एज एंड लीवर स्पॉट्स, एलर्जी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सनक, रोना, घबराना, डिप्रेशन, याददाश्त में कमी, सोच में अस्पष्टता, ब्लड शुगर, बोन डेंसिटी लॉस, स्तनों में कड़ापन व दर्द, स्तनों में सीस्ट, त्वचा का रूखापन, चेहरे पे बाल, थकान, बालों का झड़ना, सिरदर्द, माइग्रेन, हॉट कोल्ड फ्लशेस, वजन न घटना, नींद न आना, महामारी का अनियमित होना, पैर पेशियों में अकड़न, सेक्स इच्छा में कमी, थायराइड की गड़बड़ी, मेनोपॉज की समस्या, साइटिका, स्पॉन्डिलिसिस, आर्थराइटिस, घुटने, टखनों में सूजन, यूट्रिन फाइब्रॉइड्स, वजाइनल प्रॉब्लम, शरीर में पानी का जमाव। ये सारे जो प्रॉब्लम है इसको हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये हमको बोला जाता है कि अभी ये आपके जिंदगी का एक हिस्सा है, इसको आप अपना लो और इसके साथ जीना सीख लो। लेकिन ये सारा जो है इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि आपका लीवर, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स है और उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब आप एक लीवर डिटॉक्स करोगे, साइकिल करोगे, तो इनमें से जिसको जिसको जो कुछ प्रॉब्लम है उसमें उनको या तो वो पूरे बंद ऐसा फील होगा कि वो पूरे बंद हो गए, या उसमें उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज दिखे। इसमें निगेटिव इम्पैक्ट कोई भी नहीं है, जो कुछ भी होगा आपके बॉडी के साथ आपके साथ वो सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। किसी को अगर कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं। तो डिटॉक्स के बाद में क्या क्या इम्प्योरिटीज बॉडी में थी, जैसे गैलस्टोन्स आपके ऑब्जर्व यूरिक किए थे? एसिड और जो जॉइंट पेन होता ये किडनी का फंक्शन दिया है। ईच ऑफ आवर किडनीज कॉन्स्टेंटली फिल्टर ब्लड टू रिमूव वेस्ट एंड प्रोसेस इट एज लिक्विड यूरिन। अराउंड 1800 लीटर्स ऑफ ब्लड फ्लूइड इज फिल्टर्ड इनसाइड द किडनी ईच डे, ऑल्दो ओनली 1.5 लीटर्स लीव्स द बॉडी एज वेस्ट लिक्विड और यूरिन। दिस इज प्रोड्यूस्ड एज यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द वेस्ट इनसाइड द किडनी। दिस प्रोसेस अकर्स इन मिलियंस ऑफ टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स इन द आउटर एंड मिडल रीजन ऑफ द किडनी एंड द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। तो जितना हम ये दूसरा एक जो आप रेड येलो ग्रीन इसमें आप देख रहे हो वो हमारा पीएच लेवल का चार्ट होता है।
अगर आपका पीएच लेवल बिलो 7 है तो आपकी बॉडी एसिडिक है, 6 6.5 अगर आता है तो आपकी बॉडी स्लाइटली एसिडिक है, अगर 6 आता है तो एसिड है, 5.5 आता है तो एसिड है, 5 4.5 आता है तो वेरी एसिडिक है। तो जब बॉडी में एसिड लेवल ज्यादा होगा तो एसिडिटी, सिर्फ एसिडिटी की तकलीफ नहीं होगी, हमारे बॉडी में एक्सेस एसिड बिल्डअप होगा तो हमारे ऑर्गन्स, मसल्स, स्पाइन सब पे वो इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए एसिडिटी क्लींजिंग करना जरूरी है। अगर 6 के ऊपर 7 के, अगर आपकी पीएच लेवल 7 आती है तो आप न्यूट्रल हो, अगर आपका पीएच लेवल 7.5 आता है तो मान लो कि आपकी बॉडी अल्कलाइन है, और अगर आपकी बॉडी अगर अल्कलाइन है तो आपकी किसी, आपको कभी किसी बीमारी होने की कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अल्कलाइन है। तो जिस किसी को ये एनरोलमेंट करना है, ये करना है, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पे आप 1999 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करके आपका कल आपका फिर एक ऑन कॉल कंसल्टेशन होगा, जिसमें आपकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाएगी, आपका एक शेड्यूल लिया जाएगा, आपको क्या तकलीफ है, और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करके आपके कंफर्टेबिलिटी से, आपके फिजिबिलिटी पे वो प्लान करके हम आपको लीवर डिटॉक्स कराएंगे। और अगर आप फर्दर चाहते हो कि आपको पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेना है तो आप पूरे इसको भी एनरोलमेंट कर सकते हो। सर माधवी मैम का पेमेंट आ गया है। ये ऑफर जो है ये वेबिनार के लिए है स्पेशल। वैसे हमारे एक लीवर डिटॉक्स साइकिल के हम 7,000 चार्ज करते हैं, जिसमें एक लीवर डिटॉक्स साइकिल होगी और उनको लाइफ टाइम कंसल्टेशन रहेगा हमारी ओर से। सर माधवी वोरा मैम का पेमेंट आ गया। ओके। सर ये यूरिन प्रॉब्लम्स कैसे एड्रेस हो सकते हैं? यूटीआई सर क्या प्रॉब्लम है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, बर्निंग सेंसेशन है, जस्ट क्या ब्रीफ। प्रॉब्लम है? नहीं नहीं मैंने ही पूछा है सर, तो ओके। आई जस्ट वांट टू एड्रेस दिस इश्यू रिलेटेड विथ यूरिन और ब्लैडर। सर सर देखो, अगर आप एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखोगे हमारे ऑर्गन्स का, तो वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। हर कोई नर्व आर्टरी कहीं ना कहीं किधर से जो है ना एक दूसरे को कनेक्टेड है। इसमें इतना क्लियरली दिखेगा नहीं। तो यूरिन इन्फेक्शन है मतलब लीवर, ब्लैडर और किडनी, ये तीन इन ऑर्गन्स के फंक्शन जो है वो एब नॉर्मल है। इसीलिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, हम लीवर, किडनी, एसिडिटी, प्रॉब्लम कोई भी हो, लेकिन ये तीन चीजें इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये वो पूरा सिस्टम है जो को रिलेटेड है। तो लीवर, लीवर के साथ गैल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट और एब्डम कोलोन, ये कनेक्टेड है। तो लीवर जब क्लींजिंग करोगे तो ये सब क्लींजिंग हो जाएगा, वो मास्टर क्लींजिंग हो गया। और फिर किडनी क्लींजिंग है, तो किडनी क्लींजिंग में भी क्रिएटिन लेवल किसी का बढ़ता है, किसी को ये यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेटिंग का प्रॉब्लम है या बर्निंग सेंसेशन है, तो फिर वो कनेक्शन यूरिन और लीवर का है। क्योंकि लीवर का हमारा कुछ पार्ट जो है, लीवर हमारे राइट साइड में होता है यहाँ पे, और उसका कुछ पार्ट जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पे भी होता है, यहाँ तक होता है। हमारा स्टमक है यहाँ पे हमारा स्प्लीन है, उसके पीछे हमारी किडनी है। सो फिर वो कनेक्शन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वायर तो है कनेक्शन, जो वो उसको कनेक्ट होगी होगी। वो पहले ही बताया ना मैंने कि हमारे लेफ्ट साइड की जो किडनी है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको कंट्रोल करती है, उसका कनेक्शन सीधे लेफ्ट किडनी से है।
और हमारी राइट साइड की जो किडनी है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती है, तो उसका कनेक्शन सीधे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से है। अगर यूरिनेशन का प्रॉब्लम है तो मतलब उसका लीवर और लेफ्ट साइड की किडनी उसका फंक्शन एबनॉर्मल है। तो फुल बॉडी डिटॉक्स प्रोग्राम में क्या होगा कि आपको घर पे ही सब करना होगा। लीवर इज पार्ट ऑफ विच डिटॉक्स अवर होल बॉडी, सो वील डू लीवर मास्टर क्लींजिंग फर्स्ट फॉलोड बाय अदर मेथड्स टू बूस्ट क्लींजिंग फॉर फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स, फॉलोड बाय 2 मंथ्स कंसल्टेशन फॉर रिपीट साइकिल्स, एसिडिटी, किडनी, लंग्स, थायराइड, माउथ, पैरासाइट, फूट, आई, हार्ट, सन। ये जो है ये हम जो रेसिडेंशियल कैंप लेते हैं 3 डेज का, उसमें हम ये सब क्लींजिंग कराते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन। और इसमें से हम ये घर पे भी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो आप जो है पूरा 2 मंथ्स का पैकेज लेके, अगर लेडीज है तो उनका गायनेक क्लींजिंग भी होगा, उनका स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफिकेशन करके उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वैसे बनेगा और वैसे उनका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अजीत गोरे सर, स्वप्निल सर, सर बोलू शकतो का? हो सर लास्ट टाइम मी रजिस्टर केलेला ऍक्च्युअली डिटॉक्स साठी, हाँ पण कानी काय झालं, जसं आपण प्लॅन केलेलं तसं सुट्टी पण घेतलेली मी डिटॉक्स साठी, कारण माझं शेड्यूल जरा तुम्हाला सांगितलेलं मी जॉबचा, हाँ पण काय झालं अचानक मी आजारी पडलो सिव्हिअरली, हाँ म्हणजे ताप वगैरे होता आणि अजून अजून पण थोडा रिकव्हरी मध्ये जर त्याच्यामुळे जर राहिलंय तर ते आपण थोडं प्लॅन करून नंतर करावं लागेल सर ते। ते तुमच्यावर आहे, तुमच्या फिजिबिलिटीवर आहे, तुम्ही जेव्हा म्हणाल तेव्हा आपण करू, काही प्रॉब्लेम नाही सर. नाही कारण मी सर याच्यासाठी खास सुट्टी घेतलेली 2 दिवस, पण ते काही जमलंच नाही। ते बरं झालं तुम्ही आजारी पडले, ती साईन आहे तुमच्यासाठी की तुम्ही लवकरात लवकर जे बॉडी मधले टॉक्सिन्स बाहेर काढा. आणि सर काही समजत नाही, म्हणजे ताप आहे बऱ्याच दिवसांपासून, तो अजून हलकासा आहे बॉडीमध्ये। सर आज तो एवढं बॉडीची आहे ना सर, सेल्फ हिलिंग मेकॅनिझम असती, अच्छा बॉडी ऍटोमॅटिक आहे ना, तुमचं काहीतरी चुकतंय, सो ते बॉडी एक्सेप्ट नाही करते, म्हणून तुम्हाला व्हायरल ताप येणं या सगळ्या गोष्टी होणारच आहे तुम्हाला, ते नथिंग टू वरी, लेट बॉडी हील इटसेल्फ, थोडा आराम करा. काय असतं आपण आजारी पडलो ना आपण काय करतो, मग खातो, मग आपल्याला टेस्ट नसती तर घरचे म्हणता हे बनवून देऊ का, ते बनवून देऊ का, असं करून देऊ का, तसं करून देऊ का, नाही आजारी असलं ना शांत होऊन जायचं, आपलं गट हेल्थला पण थोडी शांतता द्यायची, मग तेव्हा आपण काय करतो, ते म्हणतात की थोडं मुगाच्या डाळीची खिचडी खा, थोडस पोहे खा, उपमा खा, शिरा खा, किंवा चव येत असेल तर थोडं एखाद भजं तळून देते, या सगळ्या गोष्टी होतात. जेव्हा आपल्याला ताप आहे किंवा काही गोष्टी आहे, याचा अर्थ आपलं इंटरनल मेकॅनिझम जे आहे बॉडीचं ते कुठंतरी कोलॅप्स झालेलं आहे, सो बरोबर त्याला आपण काय केलं पाहिजे, त्याला वेळ दिला पाहिजे ते बॅक टू नॉर्मल यायला. ओके पण आपण काय करतो, आपण मेडिकेशन घेतो, मग मेडिकेशन घ्यायचे आहेत आपल्याला, अँटीबायोटिक घ्यायचंय, स्टेरॉइड घ्यायचंय तर मग खावा लागल, औषध घ्यायचंय तर मग काहीतरी थोडंफार का होईना, एक पोळी का होईना खाल्ली पाहिजे. जेव्हा आपण असं थोडस कणकण, थंडी, ताप, सर्दी, खोकला किंवा हे व्हायरल इन्फेक्शन हे काही जेव्हा होतं ना, तेव्हा आपण बॉडीला आराम दिला पाहिजे, फक्त शारीरिक नाही मानसिक दृष्ट्या पण आराम दिला पाहिजे, बॉडी ऍटोमॅटिक सेल्फ हिलिंग 7-8 दिवसात आहे ना ती बॅक टू नॉर्मल यायला सुरू होईल. त्या ओके पिरियड मध्ये आपण जेवढं शक्य होईल तेवढं फ्रूट रॉ खाल्लं पाहिजे, फ्रूट सलाड हे खाल्लं पाहिजे, प्रोसेस फूड मध्ये हलकी मुगाच्या डाळीची खिचडी का असा ना,
नहीं खाल्ली पाहिजे, कारण ते आतली सिस्टीमच कोलॅप्स झालेली आहे ना, त्यामुळेच तर बरोबर तुमची इम्युनिटी हे झालेली आहे, तुम्हाला प्रॉब्लेम झालेला आहे. सो बॉडीला थोडं रिलॅक्स होऊन द्यायचं. बॉडीची सेल्फ हिलिंग मेकॅनिझम असते, ती ऍटोमॅटिक नॉर्मल तुम्हाला पर्वत घेऊन येईल. चालेल चालेल सर, मग थोडा हील झाल्यानंतरच ते मी करतो आपला येस प्रोसेस. सर, तुम्ही कधीही कॉल करा, तुमच्याकडे नंबर आहे, ज्या दिवशी तुम्हाला करायचं असेल तुम्ही एक दिवशी आधी फोन करा आणि आपण ओके चालेल तुमचं प्लॅन करू, काही प्रॉब्लेम नाही सर. चालेल, थँक्यू थँक्यू सर. अजित गोरे सर, निधि मैम अभी ज्वाइन हुए हैं शायद. निधि मैम ने पहले भी ज्वाइन किया था, बट आई थिंक पूरा नहीं अटेंड कर पाई थी सर. ओके मैम, अगर दिस आप, आपको अनम्यूट कर सके हो तो, अगर हम इंटरेक्ट कर पाएंगे अच्छे से तो. ठीक है सर, वील एड्रेस दिस क्वेश्चंस शॉर्टली. यस एनी क्वेश्चंस? दीज आर सम क्वेश्चंस ऑन स्लाइड. ओके हाउ लिवर क्लींजिंग हेल्प इन डायबिटीज रिवर्सल और स्टिम्युलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन इन बॉडी. सर जैसे मैंने पहले ही बताया कि लीवर के 1000 से ज्यादा फंक्शन है. लीवर हमारे बॉडी का मेन फंक्शनिंग ऑर्गन है. प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, जो हम खाते हैं उसमें से न्यूट्रिशनल वैल्यू एब्जॉर्ब करो, वो बॉडी में पास करो, ये सारे फंक्शन लीवर के हैं. तो जब लीवर का फंक्शन ही नॉर्मल नहीं होगा तो हम जो खा रहे हैं उसमें वो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं करके उसमें जो है वो बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. वो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, उसकी वजह से आपके पैनक्रियास पे प्रेशर आ रहा है. सो जब पैनक्रियास पे प्रेशर आएगा तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, तो उसका इफेक्ट आपके फिर से वही होगा कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा. कोलन क्लींजिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जो खाते हैं सब, तो जो गंदगी जो है वो हमारे कोलन में कचरा जमा भरा पड़ा रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन. अभी लोगों को हम जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, तो हम उनको सवाल पूछते हैं कि आपका पेट साफ होता है क्या, तो चट से आवाज आ जाता है हाँ होता है. तो पेशेंट के हिसाब से पेट साफ होना मतलब उनको क्या लगता है कि हम जब सुबह उठते हैं हम वॉशरूम गए तो मोशन पास हो गए मतलब पेट साफ हो गया. पर उसको पूछते हैं कि आपको एसिडिटी होती है क्या, वो बोलता है बहुत हाइपर एसिडिटी है, मेरा वजन भी कम नहीं हो रहा है, मेरा बेली फैट भी बढ़ गया है, मुझे स्किन इन्फेक्शन भी है, मुझे नींद भी नहीं आती ठीक से. तो फिर ये सब हो रहा है तो फिर आपका पेट साफ कैसे हो रहा है? क्योंकि गट हेल्थ इज इम्पोर्टेंट. बॉडी का मैकेनिज्म नॉर्मली करने के लिए गट इतनी इम्पोर्टेंट है. तो वो कचरा जो है, हमारे 5 गेट होते हैं हमारे एब्डोमन के, जो जियोजेडम है, इलियोसेकल वॉल्व है, स्पिंचर ऑफ ओडी है, इसोफेगस है, तो ये हमारे कॉलन के 5 गेट है. तो उसमें कचरा अटकेगा तो ये बाकी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होगा ही नहीं. व्हाट आर द ड्यूरेशन ऑफ वेरियस क्लींजिंग? सर पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो 2 महीने चलता है. तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2 महीने मतलब 60 दिन वो सब क्लींजिंग ही चलेगा. उसका मतलब ये होता है कि 2 महीने के स्पैन में पेशेंट की जो कंप्लेंस है उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड होगा. और उसमें कम से कम 3 या 4 लीवर साइकिल, या 3 मिनिमम, तो 3 तो हो गए ही हो गए, जिसमें लीवर, किडनी, एसिडिटी ये तो होगा. और अगर किसी का कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जैसे थायराइड है, पीसीओएस, पीसीओडी है, तो उसका वैसा क्लींजिंग होगा. हाउ मच गैप शुड बी देयर इन 2 साइकिल्स? अगर आप नॉर्मली पूछोगे तो मैं हर हफ्ते करता हूँ, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग ज्यादा होता है तो बाहर का खाना होता है, तो
जब मुझे ऐसे फील होता है मेरे बॉडी में अभी एक्सेस टॉक्सिन्स हो गए तो मैं डिटॉक्सिफिकेशन कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी दो साइकिल्स के बीच में 15 दिन का गैप होना चाहिए। एंड हाउ रेगुलरली वी शुड डू? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले 3 मंथ्स का जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वो तो करना ही चाहिए, और फिर बाद में आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका डाइट कैसा है, उस हिसाब से आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक दो बार ऐसे कर सकते हो। इसका सिंपल लॉजिक है सर, खाओ पियो ऐश करो और डिटॉक्सिफिकेशन करो, कोई परहेज नहीं, कोई डाइट नहीं, कोई रोक टोक नहीं। लीवर क्लींजिंग टेक्स 2 डेज, एसिडिटी क्लींजिंग टेक्स 10 डेज, किडनी क्लींजिंग 7 डेज, अदर ऑल विल टेक 1 डे ओनली। और ये करते वक्त आपका कोई भी, अगर अभी मान लो अभी दिवाली आ रही है, अभी कोई सोचेंगे कि अगर हम अभी 2 मंथ्स का पैकेज ले लेते या 3 मंथ्स का पैकेज ले लेते और फिर दिवाली आएगी, वेकेशंस में हमको हमारा फैमिली आउटिंग है या कुछ हमने प्लान किया है, बिजनेस मीटिंग है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप कहीं पे भी जाओ, आप किसी गांव में जाओ या आउट ऑफ इंडिया जाओ, आप जहां भी जाओगे आपका डिटॉक्सिफिकेशन चालू रहेगा, उसमें कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं होंगे। और ऑल इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन पर्सनली टू एवरीवन वंस यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द सेशन विद वन ऑन वन कंसल्टेशन। वो तो जब आप एनरोलमेंट करते हो, आप पेमेंट करते हो, तो आपका एक वन ऑन वन कॉल कंसल्टेशन होता है ऑन कॉल, फिर जिसमें आपका कुछ हिस्ट्री ली जाती है, उसमें अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा आपका पोस्चर के लिए भी, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका थोड़ा पोस्चर असेसमेंट भी किया जाता है हमारी एंड से। हम उनको बोलते हैं कि आपका ये ऐसा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी ये तकलीफ आपको, और फ्यूचर में ये तकलीफें और हो सकती है, आपको ये सर्जरी करनी पड़ सकती है, तो वो भी हम उनको गाइडेंस देते हैं, फ्री कंसल्टेशन करते हैं। तो जिसको भी एनरोलमेंट करना है वो अभी 1999 पेमेंट करके एक लीवर डिटॉक्स साइकिल का वो एनरोलमेंट कर सकते हैं, और फिर अगर उनको चाहिए तो वो अपसेल कर सकते हैं, उनका पैकेज जो है अपग्रेड कर सकते हैं, जिसमें फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का पैकेज होगा। ये पूरे ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जो है वो फीस और उसको सब चीजें पकड़ के भी अगर आप हिसाब लगाओगे तो आपको, आप ये किसी लीवर के या गैस्ट्राइटिस के या आईबीएस के प्रॉब्लम के लिए एडमिट हुए तो उसका बिल भी देखोगे तो उसके हार्डली 1-3% आपको खर्चा आएगा ये पूरी ट्रीटमेंट करने के लिए। यस सर, यस सर, थैंक यू। यस सर, जो पेमेंट का नंबर है उसी नंबर पे आपको कॉल करना है अगर कुछ डाउट एंड क्वेरी है, और यस उसी सर, नंबर पे पेमेंट करके उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भी भेजना है। ओके, यस तो सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर यस टाइम। थैंक सर, यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। सो बी फिट, बी हेल्दी, कीप योर डिटॉक्स लीवर टॉक्सिन्स फ्री। गुड नाइट। गुड नाइट।